धन्यवाद, हालेलुया। असीं पढ़ांगे वचन पहला करंथियां दा खत दा एक अध्याय उहदी 19 और 20 आयत। पहला करंथियों दा खत एक अध्याय 19 ते 20 आयत। इन्नी देर नहीं हुण लाया करनी, नाले चेता रखना, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? सो जिवें असीं सिख रहे हैं खुदा दे वचन दे विच्चों के खुदा दा सारा भेत मसीह यसु दे विच छुपया होया, और जिन्हें प्रभु यसु मसीह नू जान लिया, जिन्हें यसु मसीह नू पहचान लिया, उन्हें समझ लो खुदा नू पहचान लिया, खुदा नू जान लिया। बिना प्रभु यसु मसीह तो कोई खुदावन खुदा नू जान नहीं सकता, और दावे जिन्हें मर्जी कही जान, उन्हां दी एक गल इस चीज़ नू सिद्ध कर दिंदी आ भी तकरीबन साढ़े इंडिया दे विच कहा जाता है तेरा भेत किसी ना पाया। सो जदों इन्ना कुछ करन दे बावजूद, इन्नी साधना इन्नी आराधना करन दे बावजूद लोग ये कहन के तेरा भेत किसी ना पाया, तो फिर करन की डे हैं? जे उहदा भेत ही नहीं पाया जाता तुहाडे कोलों, तो फिर तुहानू उहनू उहदे विच चलोगे किदां? उहनू मनन दा की फायदा है? असीं उहदे नाल ही चल सकते हैं जिहदा भेत असीं पा लईए। जिहदा भेत ना पाईए उहदे नाल असीं चलना बड़ा औखा आ, क्योंकि साढ़े विचार मिलते नहीं आ। उस तरह जे खुदावन खुदा का भेत असी ना पाईए तो फिर खुदा दे नाल किद्दां चल सकते हैं? तो फिर असी ये भी दावा करते हैं भी असी खुदा दे नाल चलते हैं। सो बिना उहदा भेत पाए तो खुदा दे नाल चलना बड़ा औखा आ। इसलिए खुदा दा दास संत पलूस लिखता, क्योंकि लिखा है कि ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा। सो इस संसार के जिहड़े ज्ञानवान आ, जिहड़े प्राण दे विच बुद्धि आ, उहदे सहारे दे नाल बुद्धि दे अनुसार ज्ञान नूं प्राप्त करके वह परमेश्वर दे ज्ञान दे नाल मिला के अपने आप नूं धर्मी ठहराउण दी कोशिश करदे आ। लेकिन इंसानी ज्ञान, संसारिक ज्ञान, बुद्धि दा ज्ञान परमेश्वर दे बुद्धि दे ज्ञान तो बड़ा फर्क आ, और परमेश्वर नूं समझण दे लई सब तो पहलां परमेश्वर दी बुद्धि दा होना जरूरी आ, परमेश्वर दे ज्ञान दा होना जरूरी आ, परमेश्वर दी समझ दा होना जरूरी आ। और जैसा असीं देखते हैं वचन च लिखा है भी तुहाडी समझ दे विच ते मेरी समझ दे विच जमीन असमान दा फर्क आ। सो असीं इदां भी कह सकते हैं कि जिथे साडी बुद्ध खत्म हुंदी आ उत्थों परमेश्वर दी बुद्ध काम करना शुरू करदी आ। सो इंसान जिथे थक हार के बह जांदा आ उत्थों परमेश्वर दा काम जिहड़ा उह शुरू हुंदा आ। सो इंसान दा आखरी जिहड़ा आ दा ते परमेश्वर दा उत्थों शुरू हुंदा आ। सो इसलिए लिखा वचन दे विच समझदारों को तुच्छ कर दूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जिहड़े ते इस संसार दे विच समझदे आ भी सानू बड़ा ज्ञान ते समझ आ, परमेश्वर दा वचन दसदा आ जे उह बुद्धि दे अनुसार इस तरह चलणगे ते मैं उहनां दी समझदारी नूं खत्म कर देंगा। और अगे लिखा कहाँ रहा ज्ञानवान। सो परमेश्वर दा वचन सवाल करदा है। इहो जे सवाल खुदावंद खुदा ने अजूब दे नाल भी कीते सी, जदों अजूब ने अपने आप नूं धर्मी आख्या, जदकि परमेश्वर खुद उहदे ते मोहर ला चुका सी कि धर्मी आ, लेकिन फिर भी जदों उन्हें अपने आप नूं धर्मी ठहराउण दी कोशिश कीती ते परमेश्वर ने उहदे नाल इह सवाल कीता सी। सो इहदा मतलब इह आ भी इंसान जिन्ना मर्जी ज्ञानवान होवे, जिन्ना मर्जी धर्मी होवे, अगर परमेश्वर उहदे उत्ते धर्मी होण दी मोहर ना लावे ते उहदा धर्म किसे काम दा? सो असीं कई बार सुन चुके हैं कि परमेश्वर ही आ जिहड़ा धर्मी ठहराउंदा आ ते परमेश्वर ही आ जिहड़ा धर्मी बणाउंदा आ। सो वह जिहड़ा धर्मी ठहराउंदा ते बणाउंदा आ उहदे बारे असीं चलांगे ते उहदे बारे असीं सिखांगे। अगे लिखिआ कहाँ रहा शास्त्री। सो इस जहान दे विच जिहड़े शास्त्र विद्या नूं जाणदे आ ते उहदे मुताबक जिहड़े खुदा नूं समझणा चाहुंदे आ, परमेश्वर दा वचन इह दसदा आ कि कित्थे आ शास्त्री। अगे सवाल आ परमेश्वर करदा कहाँ इस संसार का विवादी, जिहड़ा विवाद करदा आ। और अजूब दे नाल भी इही गल्लां कीतीआं सी, कहिंदा चल आओ, और वचन विच लिखिआ आओ असीं वाद विवाद करिए। सो क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? सो एक गल तो क्लीयर हो गई है कि परमेश्वर इस संसार के ज्ञानी जिन्हों ज्ञान समझते हैं परमेश्वर के भाने वो बहुत वड्डी मूर्खता आ। पहला करंथियों का खत उहदा एक अध्याय दे 24 वचन से इस तरह पढ़ते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी,
उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। सो असी इस ज्ञान नू समझना है जिहड़ा परमेश्वर दे अगे ज्ञान समझा जाता है, और वह ज्ञान की आ, उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ है ते परमेश्वर का ज्ञान है। इहदा मतलब जिन्हां दे कोल मसीह आ उन्हां दे कोल परमेश्वर का ज्ञान है, जिन्हां कोल मसीह नहीं उन्हां कोल परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं आ। सो परमेश्वर के ज्ञान नू समझण दे लई जरूरी आ कि हर शख्स जिहड़ा आ मसीह यसू की शरण दे विच आवे। पहला करंथियों 1:9 असीं पढ़ते हैं, परमेश्वर सच्चा आ जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। ये भी रैम उदा ही होया, जे असी परमेश्वर के भेत को समझना आ तो जरूरी है कि असी मसीह यसू नू समझिए, और जे मसीह यसू नू समझना आ तो फिर सानू ये भी ध्यान रखना आ असी अपनी कोशिश दे नाल, अपने यतन दे नाल, अपनी खूबियां दे नाल, अपनी लियाकतां दे नाल मसीह यसू कोल नहीं आए हैं, बल्कि वचन की दसदा आ परमेश्वर सच्चा आ जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया आ। उन्हें बुलाया आ मसीह यसू की संगति दे विच सानू, और इसलिए मसीह यसू की संगति विच बुलाया आ कि असी मसीह यसू नू दे द्वारा परमेश्वर नू समझ सकीए। फिलिपस ने कहा ना कि सानू पिता का दर्शन करा, कहिंदा इन्नी देर तो मैं तुहाडे नाल आ, अजे भी तैनू जरूरत है कि तू पिता का दर्शन करना चाहुंदा, जिन्हें मैनू देखा उन्हें मेरे पिता नू देखा। सो यसू मसीह असल दे विच पिता की सूरत बन के इस जहान दे विच आउंदा है। हालेलुया। और जिहड़ा यसू मसीह नू कबूल कर लैंदा है वह परमेश्वर नू कबूल कर लैंदा है, और जिहड़ा यसू मसीह नू कबूल करदा परमेश्वर उहनू कबूल कर लैंदा है, और जदों परमेश्वर कबूल कर लैंदा है तो परमेश्वर अपने विच चलण दे लई उहनू अपनी बुद्धि अपनी समझ अपना ज्ञान बख्शदा है, और उस ज्ञान का नाम यसू मसीह है। हालेलुया। देखते हैं पहला ग्रंथियों का खत 1:4-5। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। हालेलुया। सो एक गल बार बार खुदा दा दास संत पलूस इसलिए जोर दे रहा कि असी समझ सकी मसीह की अहमियत इस जिंदगी दे विच कितनी जरूरी है। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। यानी कि अगर यीशु मसीह किसी दे कोल हैगा आ तो समझ लो परमेश्वर का अनुग्रह उहदे कोल आ, जे यीशु मसीह नहीं है तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह भी उहदे नाल नहीं है, तो बिना उहदे अनुग्रह तो उहदी भगती करना असंभव आ, नामुमकिन आ, बंदा कर ही नहीं सकता। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाओ, उहदे द्वारा ही किए जा सकते हैं। कादे विच सारे वचन दे विच ते सारे ज्ञान दे विच। अज जदों असीं कई वारी कह दिंदे आ सानूं वचन समझ नहीं आउंदा, इहदा मतलब की है भला? असीं अजे मसीह यसू नूं की है भला पछाणे ही नहीं असीं। दूसरी गल की हो सकती है, असीं मसीह यसू नूं पहचान लिया है पर वचन की गंभीरता नूं इस लई नहीं समझते क्योंकि वचन दे नाल उन्ना टाइम दे नहीं पाउंदे जिन्ना देना चाहीदा है, और जो असं उन्ना टाइम वचन नहीं देंगे फिर सानू चाहिए है कोई सानू दसे उहदे बारे। लेकिन खुदा ने वायदा किया है सिखाउण वाला पाक रूह आ, और उस पाक रूह के वसीले दे नाल उहने 5 प्रकार के सेवक भी कलीसिया दे विच स्थापित किए आ। सेवक भी सिखाउणगे, और जिहड़ियां गल्लां सेवकां दे कोलों तुहानू ना प्राप्त हो सकन किसी वजह करके जां उहनां दा संपर्क ना हो सके, तो इहदा मतलब यह नहीं है कि अज जिहड़े सेवकां दे उत्ते सानू विश्वास जां जिहड़ा उत्ते असीं भरोसा रख के चल रहे हां कल नूं खुदा उहनां सेवकां नूं बुला लवे तो फिर कहदे सारे चलांगे। इहदा मतलब सेवक दिते आ उहनां कोलों असीं सिक्ख्या प्राप्त करनी है, लेकिन नाल नाल साडा भरोसा यह होना चाहीदा आ कि मैनू चलाउण वाला मैनू सिखाउण वाला मैनू समझाउण वाला यहोवा परमेश्वर आ, वह कदे भी नहीं छड्डूगा, वह कदे भी त्यागूगा नहीं। इंसान सानू छड्ड के जा सकता है, इंसान अपनी दौड़ पूरी करके इस संसार नू छड्ड सकता है, लेकिन परमेश्वर कदे भी छड्डदा नहीं क्योंकि उहने वायदा किया युगां दे अंत तक मैं तुहाडे नाल आ। साडा यह भरोसा होना चाहीदा आ कि परमेश्वर साडे नाल आ। इसलिए आखिरी लाइन की लिखी है कि उसमें होकर तुम हर बात में सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए किते नहीं जावोंगे की है भला? सारे वचन दे विच ते सारे ज्ञान दे विच की हो गए भला? धनी किए गए किहदे द्वारा किए गए हैं? मसीह यसू दे द्वारा किए गए। मसीह यसू की है? परमेश्वर का ज्ञान है। तो परमेश्वर नूं समझना है तो बस फिर मसीह यसू नूं समझ लो तो सब कुछ समझ लो, समय दे विच आ गया। खुदा ने अपना वो वेद जो आदि से छुपा कर रखा था उसे मसीह यीशु के वसीले से अपने पवित्र लोगों पर जाहिर किया है। ये यसू मसीह के वसीले के नाल ही जाहिर होया कहना उत्ते अपने पवित्र लोगों के उत्ते। ये जिहड़ा भेत आ ये सिर्फ वो अपने पवित्र लोगों के उत्ते ही प्रगट करता है।
ਉਹ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਨਵ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ 3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੁਣਨ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲੀਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕਰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਆਏ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੌਣ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੋਈਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੇਦ ਜੋ ਆਦੀ ਸੇ ਛੁਪਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਥਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਭੇਤ ਛੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਆਇਆ ਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਯਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਓ 1:26 ਲਿਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਦ ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਦ ਕੋ ਜੋ ਸਮੋਂ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਸੇ ਗੁਪਤ ਰਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਯਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਦ ਕੋ ਜੋ ਸਮੋਂ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਸੇ ਗੁਪਤ ਰਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਬ ਉਸਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕੋਂ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ
ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ 28 ਸਾਲ 29 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 28-29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 28-29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 28-29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਭੇਤ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਤ ਭੇਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ 666 ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 666 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਦ ਕੋ ਜੋ ਸਮੋਂ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਸੇ ਗੁਪਤ ਰਹਾ ਪਰੰਤੂ ਅਬ ਉਸਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਗੋ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ ਜੋ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਲਸੀਓ 1:27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਿਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਓ ਮੇ ਉਸ ਵੇਦ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਮੁੱਲ ਕਿਆ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੜਾਵੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਜ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਤ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਭੇਤ ਹੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਪੜਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਗਿਆਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਓ ਮੇ ਉਸ ਵੇਦ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਮੁੱਲ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਹਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਮ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੇਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਲਸੀਓ 1:28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮ ਹਰੇਕ ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੋ ਜਿਤਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਸੇ
हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कादे नाल जी, सारे बोलो केदे नाल जी, अधूरे ज्ञान दे नाल नहीं, कादे नाल सारे ज्ञान दे नाल। क्यों सारे ज्ञान ना सिखाने हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने आखिरी हुक्म जिहड़ा दिता यह सीगा, जाओ कौम नूं चेले बनाओ ते उहनां नूं इहनां सारियां गल्लां दी पालना करनी सिखाओ। ते खुदा दा दास इत्थे दावे नाल कह रहा है असीं कुछ भी छड्डदे नहीं है, सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। किदां करना जी भला? मसीह दे विच हरेक व्यक्ति नूं सिद्ध करके उपस्थित करना। सिद्ध कदों होगा? जदों उहनूं पूरा ज्ञान मिलेगा, वह ज्ञान जिहड़ा मसीह यसू आ। और जिन्नी देर तक मसीह यसू नहीं मिल जाता उन्नी देर तक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जैसा असीं पिछले दिन सीख चुके हैं, परंतु उसी की ओर से, पहला ग्रंथियों 1:3 जी लिखा, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। सो ये यसु मसीह की खासियत। पहला ग्रंथियों 2:5 लिखा, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करता है। हालेलुया। असी जिस ज्ञान तक पहुंचे हैं वह की है भला? वह इंसाना के ज्ञान के उत्ते नहीं पर कि परमेश्वर की सामर्थ के उत्ते निर्भर है। साडा सारा भरोसा, साडा सारा यकीन कि परमेश्वर के उत्ते है। सो असी देखते हैं कल जितों छड़िया सी असी उस विषय नूं वधदे हां कि असी देखिया सीगा कि जिन्हें आत्मिक भगती करनी आ उहदी हालत जिहड़ी आ उह इहनूं असी कई तरीके दे नाल पिछले दिनों दे विच सिखिया आ। और इन्हां दिनों विच परमेश्वर ने इहदे होर ज़्यादा जिहड़े भेद आ साडे उत्ते खोले आ जिहनूं असी इन्हां दिनों दे विच सिख रहे हां। सो कल असी इत्थों तक पहुँचे सीगे कि ये पाप दे लई की है भला? मर गया आ। जिन्हें आत्मा ते सच्चाई की भगती करनी है जिन्नी देर तक वो पाप दे लई मरदा नहीं आ उन्नी देर तक आत्मा ते सच्चाई की भगती कर ही नहीं सकता। पाप दे विच खड़ा होया इंसान जिहड़ा आ वो कदे भी ना आत्मा ग्रहण कर सकता है ते ना सच्चाई नूं ग्रहण करदा, ना ही सच्चाई दे राह दे उत्ते चल सकता, क्योंकि जिहदा गुलाम है उहदी ही मनूगा। सो जैसा असीं पढ़ते हैं रोमियो दा खत उहदा 6 अध्याय उहदी 1-2 वर्स दे विच इहदा वेरवा आया कि पाप दे लई की है भला? इह मर गया आ। और बपतिस्मा जिहनूं अज दुनिया ने तमाशा बनाया होया आ उह इह जिहड़ा असीं देखदे ने किदां किदां इहने अपने आप नूं किहड़ी किहड़ी चीज़ दे विच दफन करना है। नंबर 1 ते इहने पाप दे लई की होणा भला? इह पाप दे लई मरूगा ते आत्मिक भगती ते सच्चाई दी भगती कर सकदा आ। जे इह आत्मा पाप दे लई मरिया नहीं आ ते फिर इहनूं कदे आत्मा प्राप्त हो ही नहीं सकदा। ते आत्मा तों बिना परमेश्वर की आराधना की नहीं जा सकती, क्योंकि लिखा की है परमेश्वर भला की है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, ओहो ही साडे अंदर आउंदा है आत्मा के रूप दे विच ते ओहो ही सानू आत्मा दे विच चलना सिखाउंदा है ते ओहो ही सानू अपने रूप दे उत्ते बनाउंदा है। सो ये चार सूरतां दे विच जदों ये मरदा है ते फिर ये जे कहिंदा भी मैं बपतिस्मा लिया है ते की ये चार सूरतां दे विच मर गया? की ये पाप दे लई मरिया है? कि यह संसार के लिए मरिया? कि शरीर के लिए मरिया? कि शैतान के लिए यह मरिया आ? जे तो इन्होंने चारा सूरतों के मरिया आ तो यह कहता मैं मर गया आ तो हूँ इतों ही फड़िया जाऊगा। अगर ये कहता है कि है भला मैं पाप के लिए की हो गया? मर गया आ। हूँ ये जीवन के अगर पाप कम करता है और लोग ये जीवन के पाप के कामों देखते हैं तो फिर की लोग ये नहीं कहेंगे कि झूठा है? कि लोग यदा तमाशा नहीं बनाएंगे? और सब तो खतरनाक गल की है भी ये लोगों के लिए ठोकर का कारण आप बनूगा। और वचन की दसदा है हाए वो उत्ते जेदे कारण ठोकर ठोकर लगना तो लिखा वाजब है, पर हाए वो कारण जेदे कारण ठोकर लगे। ये संसार दे विच जांदा है ते दावा करदा मैं पाप दे लई की है भला? जदों कोई इहनूं झूठ बोलदिआं देखदा ते झूठ किहदी निशानी है भला? लिखा ना वचन विच झूठे लोग उहदे राज दे विच दाखल ते सच बोलने च नुकसान किन्ना हुंदा जे? ना, सच बोलने च फायदा ही फायदा हुंदा, नुकसान कदे नहीं होया। और इहदा असीं प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, सच बोलने च कदे कोई नुकसान नहीं हुंदा, बल्कि की हुंदा भला? फायदा हुंदा। क्यों जी? क्यों नुकसान हुंदा? अगर इंसानी बुद्धि दे नाल समझांगे फिर की लगदा भला? नुकसान लगदा। लेकिन अगर आत्मिक बुद्धि नाल समझांगे ते सच बोलन तो बाद भावें तुहानू कोई फांसी ते चढ़ा देवे पर तुहाडे अंदर एक ऐसा सुकून ते ऐसा इतमान हुंदा आ
कोई परवाह नहीं, घट्टो घट मैं सच दे उत्ते की है भला। तो हसदिया हसदिया कुरबान भी उ हो सकता है जिहड़ा सच दे उत्ते खड़ा है। झूठ नूं असीं मसीहत जिंदगी दे विच बड़ी ही संजीदगी दे नाल लैणा है। ये आम दिनचर्या का हिस्सा है, वैसे की है भला आम दिनचर्या का हिस्सा है। असीं एवें कोई सानूं पुछता मान लो, हाँ जी कित्थे हो जी, असीं आ गए वालमार्ट ते की कहना, असीं ब्रोंक्स आए हुए जी। हाँ जी की जरूरत सी तैनूं ये झूठ बोलने की, मैं ब्रोंक्स आया हुआ। तू कह दे मैं वालमार्ट दे विच तेरा कहड़ा, उन्हें तैनूं कहड़ा कह देना मेरे लिए भी एक सूट लैं, है ना। यानी कि जिथे झूठ बोलने का काम भी नहीं ना, असी उत्थे भी झूठ बोल जाने तो फिर की कहने असी की है भला, की है भला असी कहने अं बपतिस्मे लए। यहूदियां नूं यही कमांड है ना, असी सुनती हाँ। यहूदी काहदे लई नहीं किसी ना मिलते, कहिंदे इह ते पापी लोग आ, इह साडे बराबर खड़े होण दे काबल नहीं गे, असी परमेश्वर का चुनिया होया वंश आ। इसलिए किसी दे नाल कोई गल करके राजी नहीं, तुसीं गल करन दी कोशिश भी करदे तुहानूं इगनोर मारनगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप नूं सुनती होने करके परमेश्वर का वंश मानते हैं, इसलिए किसी के नाल गल करन दे लई तैयार नहीं है। उन्हां दा एक कमांड आ। उस तरह असी भी कई बार इस चीज़ को लैके चलते हैं ना, क्योंकि साडा घमंड की है मसीह यसु है। तो मसीह यसु साडा घमंड कदों मरिया बनया, जो असी पाप दे लई मर गए हैं। तो जो कोई सानू ये काम करते देखता है तो फिर की समझांगे असी, झूठ जो बोलता देखांगे तो की असी दावा कर सकते मैं पाप दे लई मरिया। तो यदा मतलब फिर सानू की फैसला लेना चाहिए, परिस्थिति जिदा की मर्जी हो सू झूठ बोलने की जरूरत। हाँ जी बोलना चाहिए, तो असं बोलन दे फिर फटाफट चलना। अब्राहम इसहाक ने तो बोलिया ही, की होया भला? अब्राहम इसहाक ने भी तो बोलिया है, पांच छे पीढ़ियां का हाल देख लो की होया। तो जे तो तुम भी अपनी पीढ़ियां का हाल ये करवाना है तो फिर बोलो। हाँ जी, तो जे असं चाहते हैं भी साडा हशर वो ना हो, साडी आने वाली संतान 400 साल गुलामी च जाए, तो फिर सानू की चाहिए भला? असी अब्राहम वाली गलती ना करिए, असी इसहाक वाली गलती ना करिए। असी गलती नूं देखदे उन्हें झूठ बोलिया सीगा, उस झूठ के पिछे बनिया कि ये देखो इसहाक ने भी झूठ बोलिया सी ना, नबी सी उहदा मुंडा ही बेवकूफ बना के चले गया। हाँ जी, तो जे मुंडे ने बेवकूफ बनाया अगे मामे दे कोलों बेवकूफ बनिया 14 साल। परमेश्वर के बारे की लिखा, धर्मी तो न्याय कहदे लई आ, वह इसे लिए क्योंकि किसी का पक्षपात करता करता, भावें यकूब चुनिया हो पर यकूब के नाल भी उदा ही चलिया आ। कल कोई ये ना कह सके यकूब ने इन्हें गेड़े किए वे तू की, तो यकूब के नाल भी उस तरह चलिया, मामे के हथों लुटिया। फिर 14 साल थोड़े नहीं होंगे, 14 साल एक औरत नूं पाउण दे लई मामे की कीती भला? वो जिहड़ी औरत दे नाल प्यार करके 14 साल उहदे मामे की गुलामी की, उस औरत नूं जिहनूं प्यार करदा सी कुख रब ने उहदी बंद कर दित्ती। कितने उन्हें किया कि पक्षपात? उस औरत की कुख बंद कर दी जिदे प्यार करता सीगा, उही एंड ते बिन्यामीन नूं जन्म दिंदी है की होगी भला? मर गए। सो प्यारे अजीजो, असीं देखते हाँ दावा असीं करते हैं कि पाप दे लई की हो गए भला? मर गए हैं। लेकिन पाप के काम अगर साढ़े अंदर काम कर रहे हैं तो फिर पाप के लिए असीं की हैं भला? मरे हुए नहीं हाँ। सो असीं की कोशिश करनी है? नंबर एक कि साढ़े विचों परफेक्ट कोई भी कामल कोई भी, असी पवित्रताई वाल वध रहे हैं, कामल कोई नहीं है, सिद्ध कोई नहीं है, लेकिन असी कोशिश कर विच कमी नहीं छड़नी। असी कोशिश करनी है जिहड़े बेवजह असी झूठ बोलते सी अज तो की करांगे भला? हाँ जी, की कोशिश करांगे असी जिहड़े बेवजह झूठ बोलते सी अज तो, जिहड़ा बेवजह हेरा फेरियां करदे सी अज तो, जिहड़ा बेवजह चुगली निंदा हो जांदे सी अज तो, जिहदी चुगली निंदा करनी उहने सीधा उहनूं पब्लिक दे विच मूँह ते कहो। हाँ जी, चुगली करन दी हिम्मत साडे विच हैगी है, मूँह ते कहन दी हिम्मत क्यों नहीं? ते जदों तुसीं मूँह ते कहोगे तुसीं लोकां दे विच की होवोगे भला? आदर दे योग मने जाओगे। जिहनूं मूँह ते कहोगे उहनूं ते दुख होगा, लेकिन तुसीं अपने विवेक दे विच की होवोगे भला? ठीक सिद्ध होवोगे। सो पाप दे लई जिहड़ा मर गया इहदे जीवन दे विच अगर पाप अजे भी कम करदा आ, पिछले दिनों जो सिखिया सिखिया पास्टर फिनी साहब उन्होंने को बड़ी चीज़ा नवी जड़िया आ, एक चीज़ जी नवी सीख सुनी वो ये आखिरी दिन दे विच के अगर कोई मसीही बंदा
कर्जदार आ, अगर उन्हें कर्जा लिया होया आ अपनिया जिसम दिया किसी भी ख्वाहिशां नूं पूरा करन दे लई, अगर उन्हें कर्जा लिया आ तो अज अगर रैप्चर हो जाता है वह किसी भी कीमत दे उत्ते दुल्हन दे विच नहीं जा सकता, किसी भी कीमत दे उत्ते। सो मसीही लोगों नूं की हुण सिखना चाहिए, जो सानूं इस गल का पता नहीं सी उदों असीं की करदे सी भला कर्जा, लेकिन जो हुण सानूं इस चीज़ का पता लग गया तो साडा यतन फटाफट की होना चाहिए, पहला की होना चाहिए, पहला जो बाकी जो मर्जी हो जाए भुखे प्यासे रहिए, कपड़ा होवे ना होवे, कोई जरूरत पूरी ना हो, पहला मिशन की होना चाहिए साडा, इस तो पहला कि मसीह यसू की आमद हो जाए असं करजे तो की हो जाए भला मुक्त हो जाए। इस करके उस औरत नबी ने कहा ना अलीशा ने इस तेल में बेच, तो सब तो पहला की कर भला, नबिया का काम नहीं है वह किसी के कर्जदार रहन, और नबी कर्जदार होवे ये उसके ऊपर एक लानत बन सकती है। इसलिए अज तक जे नहीं सी पता तो असी जे जाने जाने करजा फड़िया तो हुण साडा की मिशन होना चाहिए भला, असी हर दिन यही सोचिए भी मैं कर्जदार हुण होना ही नहीं आ, क्यों नहीं होना, क्योंकि मैनू नहीं पता अज रात ही यसु मसीह की आमद हो सकती है, तो जे मैं कर्जदार होया तो फिर इस जहान के रह जावगा। दूसरा साडा भुलेखा भला की सीगा, असी सोचते सानू फिर एक मौका हैगा आ, साडा भुलेखा भला की बनया होया, कोई गल नहीं जे बाई चांस रैप्चर के ना भी ना गए तो महाकलेश के अपनी जान दे के बच जावे। याद रखो वो जी जान देने तक की वफादारी की गल है वह सिर्फ इसराइलियों वास्ते, साडा काम खत्म है। अन्य जातियां दे वास्ते गैर कौमों के वास्ते सिर्फ यही पीरियड है मसीह यसू के आने तक का, उस तो बाद गैर कौमों के लिए कुछ नहीं, भावें मरन खपन जो मर्जी होन इन्हां दे लई दोबारा कोई मौका नहीं गा। वो बाकी सारे दे सारे वायदे किहदे नाल भला, इसराइल दे नाल आ, असीं पहलां इसे भुलेखे च जी जांदे सीगे, कोई गल नहीं रैप्चर च जे रह भी गए ना तो कोई गल नहीं उदों फिर दलेरी दे नाल जान जूं दे के ते यसू मसीह नूं खुश कर लांगे ना, क्यों, क्योंकि पाक रूह दे द्वारा ही साडा जन्म होया, तो जदों पाकरू एक बार सानू छड़ गया इस धरती के उत्ते उस तो बाद कोई तौबा नहीं, कोई बपतिस्मा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, उदों भावें मर भी जाइए तभी कोई साडा हक उस वायदा के विच नहीं होगा जिहड़े वायदे खुदावन खुदा ने साडे नाल कीते आ। इसलिए सब तो खतरनाक काम की है भला साडे लई, इन्हां दिनां दे विच सानू इह पता लग गया कि आमद कोई हुण दूर नहीं है, तो फिर असीं की करना इस पाप के हर काम के उत्ते की पाइए भला, पाप के हर काम से की पाउणी भला, जित पाउणी। और ये याद रखियो जदों इत्ते असीं जित पाउण की कोशिश करते ना, जिहड़ी चीज़ ते जित पाउण की कोशिश करते वह उन्ना ही हैवी हो के साडे उत्ते आउंदी है। मेरे प्रैक्टिकल तजर्बे है, ये जिहड़ी चीज़ के उत्ते तुसीं पकचाउंदे ना असीं जित पाउणी आ, वह पहलां नहीं तुहाडे ते उन्ना काम कर रही होंदी, लेकिन उस वक्त वह उस तरीके दे नाल ही काम कर रहे होंदे। लेकिन याद रखना असीं आत्मा ते सच्चाई की भगती के समें के विच जी रहे हैं, आत्मा ते सच्चाई की भगती दे विच पाप का कोई काम, पाप का कोई काम नहीं है। इसलिए जो भी कुछ असी करते सीगे असी हुण फैसला लईए कि असी नहीं करना, लेकिन याद रखियो फैसला लेंदे वक्त इको चीज़ का ध्यान रखना, उन्ना ही हैवी हो के होना प्रोग्राम, उन्ना ही हैवी हो के। मैं तो पिछले महीने जे कि प्रैक्टिकल मेरे नाल हो रहा है, जिहड़ी चीज़ के उत्ते जित पाउण की कोशिश करते वह उन्ना ही आके घेरा पाउंदी पई है, और वो बार बार तुम फसते भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, मैं इस चीज़ के उत्ते जित पाउणी आ, साडा इह निशाना होना चाहिए हर हाल के जित पाउणी आ। सो इसलिए असीं जाणदे आ भी असीं इह गल्लां नूं सिर्फ पढ़न दे लई लिखण दे लई सुनाउण दे लई नहीं, बल्कि की करना है इन्हां नूं अपने जीवन के की करना भला पूरा करना आ, तां कि असीं दावा कर सकीए असीं आत्मा ते सच्चाई दे जीवन दे विच की आ भला जी रहे हैं। तो जे असीं सिर्फ कही जाने हैं लेकिन लोग देखते हैं भी ये तो गल है ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा शरीर के लिए मर गया, ये बारे अं बड़ी बारी सुन चुके हैं भी शरीर दिलाशावं जड़ियाँ ना, जिहड़ा भी इंसान आ चारे सूरतों दफन करके आ गया, जे अजे भी शरीर के जी रहा है तो यदा मतलब वह फिर शरीर के लिए तो मरिया ही नहीं, तो जे शरीर के लिए मरिया नहीं गा तो फिर यदा सीधा सीधा मतलब हैगा भी वह मसीह के कोई संबंध नहीं है। वायदा तो इन्हें यही किया ना दफनाद वक्त कि अज तो ये मर गया आ तो हुण जिहड़ा जीवेगा वह यसु मसीह के रूप के जीवेगा। यसु मसीह चलते हुए अपने सारे करैक्टर नूं पेश करके गया आ, 30 साल का जीवन वह एक आ, 3.5 साल का जीवन, 30 साल के जीवन के भी वह निष्कलंक रहा आ, 30 साल के जीवन के भी वो उत्ते कोई उंगली नहीं उठी।
3.5 साल की सेवकाई के समय के भी कोई उंगली तो असं हूँ की करना भला साडा भी सिस्टम यही होना चाहिए हूँ कि जो असी मसीह आ गए हैं तो फिर साढ़े उत्ते उंगली सच के उत्ते चलते हुए थोड़े उत्ते कोई उंगली चुके लख वारी चुके लेकिन थोड़ा आत्मा थोड़ा विवेक जड़ा आ पूरे निष्कलंक होने चाहिए है उदा उंगलियां उठी जाए तो वक्री गल है वो कोई परवाह नहीं करनी वह तो उन्होंने वाजब है वो उंगलियां उठाने वाले भी उ हो जे ठहराए ही सिर्फ उंगलियां उठाने वास्ते है उन्हों की सानू कोई परवाह नहीं लेकिन ऐसा ना हो सा विवेक साढ़े उत्ते की लाता हो भला दोष लाता हो जे विवेक दोष लाता फिर सानू किसी की गवाही की जरूरत नहीं है फिर असं दोषी है फिर पक्के दोषी हैं लेकिन विवेक साढ़े तो दलेरी दिता है तो फिर लिखा हे बच्चो जे मन दलेरी दे ना जे मन जरा ठीक है तो फिर परमेश्वर अगे की है भला दलेरी है तो जे मन ठीक नहीं है तो फिर परमेश्वर अगे कभी दलेरी हो ही नहीं सकती वो जी दलेरी साढ़े विच आउंदी है वो आ आत्मा ते सच्चाई की पहचान जी दलेरी आउंदी ना साढ़े विच वो आ गवाही दिंदा आत्मा ते सच्चाई गवाही दे रहे हैं वो गवाही की है भला साड़ी दलेरी है क्यों दलेरी है क्योंकि सानू माण आ मैं परमेश्वर दे विच सीधी चाल चल रहा है जिहड़ी भगती करन लई उहने मैनूं कहा है जिहड़ी भगती करन लई बुलाया मैं वह भगती की भला कर रहा है तो उस भगती दे विच मैं इन्हां चीज़ां नूं लै के चलदा नहीं है से जो जो शरीर के लिए भी मर गया आ तो उस तो बाद लिखा संसार के लिए भी की होया भला शरीर के लिए मरना मतलब हुण शरीर की किसी अभिलाषा पूरा करने के लिए कोई भी पुट्ठा सुद्धा काम यह भुखा रह लूगा पर कदे पाप करूगा यह प्यासा रह लूगा पर कदे पाप करूगा नहीं यह हुक्म नूं पूरा करूगा भावें यह मर भी जाए यह मर भी जाए तभी अगर ये पाप का काम नहीं करता आ तो परमेश्वर यदा वेलकम करने के लिए तैयार है लेकिन अगर ये शरीर दियां अभिलाषावां नूं फिर पूरा करता है तो इन्हें बपतिस्मे की तुहीन की है इन्हें उस अनुग्रह की भी तुहीन की है जिहड़ा इहदी तौबा दे वेले इहनूं मिलिया सी जदों पाकरू कलाम का बीज लैके आया सी ना इहदे अंदर जदों ये शरीर की ख्वाहिश विच दुबारा गया आ इन्हें उहदी तुहीन की है और जिहड़ा सीधा सीधा वचन दसदा है शरीयत के मुताबिक भी वो पाप जिहड़ा डायरैक्ट खुदा दे खिलाफत विच कीता जांदा आ ओ ना शरीयत दे जमाने विच माफ हुंदा सी ते ना अनुग्रह दे जमाने दे विच माफ होवेगा उदों भी अनजाने दे पाप ही माफ करदा सी परमेश्वर हुण भी अनजाने दे पाप ही माफ होणगे लेकिन जिहड़ा जानबुझ के करदा आ हुण जदों पता लग गया कि मैं शरीर दे अनुसार जीणा शरीर दी कामना नेत्रां दी कामना ते जीवन दा अपमान की लिखिया आ इह शैतान तों आ सो अगर इह सारी चीज़ां साडे च आ गईआं ते फिर असीं कित्थों आ तो फिर किहड़े दावा करदे जी असीं बपतिस्मा लिया असीं तौबा कीती असीं पवित्र आत्मा पाया इहदा मतलब असीं अपने आप नूं आप ही धोखा दे रहे हैं तीसरी गल है कि संसार दे लई मर गया उहदे विच तुसीं पता ही तुहानूं सारिआं नूं भी असीं संसार दे रीति रिवाजां दे विच किते भी पैणा बेशक लोकी मसीही हुंदे होए गैर कौमां दी तरह अज भी ड्रामेबाजी करदे असीं करनी लख वारी साडे सामणे कहण नहीं जी आह दलीलां वकीलां देण नहीं जी क्रिसमस डे मनाउणा ठीक है जी असीं की करना भला मैं संसार वांगू चलना मेरे मसीह ने जो मैनूं हुक्म दिता मैं वह पूरा करांगा अगर मेरा मसीह मैनूं कह के जांदा भी क्रिसमस डे मनाउणा तो मैं जरूर मनाउंदा अगर वह कहिंदा ईस्टर मनाउणा तो मैं जरूर मनाउंदा अगर वह कहिंदा कि जिहड़ा आपकी पाम संडे वगैरह मनाउंदे अगर वह कहिंदा तो मैं फिर जरूर करदा जदों मैनूं कहा नहीं मैं अपने परमेश्वर के वचन दे विच खड़ा आ वचन दे विच जिहड़ा खड़ा उह ही आत्मा ते सच्चाई की भगती कर सकदा आ इसलिए इहदी हालत असीं देखदे हां कि इह संसार दे लई मरेगा फिर इह साबित करता है कि मैं तीसरी सूरत दे विच भी अपने आप नूं सिद्ध कर रहा है नंबर चार हैगा शैतान दे लई मर गया अगे किहदे कब्जे विच सीगा भला शैतान दे कब्जे विच सीगा शैतान दी रहनमाई दे विच चलदा सी उहदियां कामनावां नूं पूरा करदा सी जिवें योना दे खाते लिखिया तुसीं अपने प्यो शैतान तों क्योंकि तुसीं उहदियां कामनावां दे अनुसार चलदे हो उसे तरह यह हुण शैतान दे लई मर गया पहलां उहदे लई चलदा सी उहदे जिहे काम करदा सीगा उहदी आग्या दे च रहिंदा सीगा उह जैसा चाहुंदा सी वैसा ही यह जीवन बिताउंदा सी लेकिन हुण इह परमेश्वर दे हत्थां दे विच आ गया हुण इह शैतान दे लई किसी भी कीमत ते जी सकदा ये शैतान की किसी भी गल दे च फस सकदा नहीं है बल्कि इहनूं हुक्म की दिता गया शैतान का सामना करो तो शैतान तुहाडे दुखी होगा भला वचन दे विच ते पहलां ही दावा कर दिता गया भी शैतान तुहाडे दुखी होगा हाँ जी नठूगा तो असीं की कह दिंदे आ आउणा तो सीगा शैतान ने नहीं आउण दिता करना तो सीगा शैतान ने तो वचन की कहिंदा है कहिंदा सामना करो तो हुण सामना कौन करूगा
ਜਿਹਨੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਕਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂੰਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ? ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਭਲਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛਡਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛਡਾਵੇਗਾ? ਤੋ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੈੜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸੀਹੀ ਕਾਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਡਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੋਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਬਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛਡਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਪਿਤਾ।
आमीन। वतन सियोन ही साडा यारो असल ठिकाना है, एथे मन ना लायो पायो असी स्वर्गी जाना है, एथे मन ना स्वर्गी जाना है। कर साडा ठह जाना से, ओ कर साडा पक्का, दुनिया तो मैं अख उस कर तेरा का, दुनिया तो मैं अख उस कर तेरा का, यीशु निशाना है, एथे मन ना पायो असी स्वर्गी जाना है, एथे मन ना लायो पायो असी स्वर्गी जाना है। ए है देश पराया, हां पर देसी, ए है देश पर आया, नहीं उस जग विच एवें मन क्यों लाया, जो जग तेरा नहीं उस जग विच एवें मन क्यों लाया, ना कुछ लेके आया बंदिया, ना ही ले जाना है, एथे मन ना स्वर्ग जाना है, एथे मन ना लायो पायो असी स्वर्ग जाना है। परवेश नहीं होना है, ओ बिना कीमत उस देश दे विच परवेश नहीं होना है, ओ कीमत देके की असां उस देश च जाना है, कीमत देके की असां उस देश च जाना है, जायो असी स्वर्ग जाना है, एह गल सबनू समझायो असी स्वर्ग जाना है, वतन सियोन ही साडा यारो असल ठिकाना है, एथे मन ना स्वर्ग जाना है, एथे मन ना लायो पायो असी स्वर्ग जाना है, असी स्वर्ग जाना है, असी स्वर्ग ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰ, ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ।